अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अंजला फारूक और आप देख रहे हैं आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दुनिया के छठे खतरनाक एयरक्राफ्ट SU-35 के बारे में बात करेंगे। इस जहाज को दुनिया भर में SU फ्लैंकर ई मल्टी रोल फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में रूस ने SU-27 को अपग्रेड करने का फैसला किया। 1988 में SU-35 मुकम्मल हो गया। इस जहाज ने 2008 में अपनी पहली परवाज भरी। इस जहाज को 2010 में रूसी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। SU-35 का डिज़ाइन सुखुई डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। इस जहाज को कोमल जोमल स्कोन आर्मर एयरक्राफ्ट प्लांट ने असेंबल किया। दोस्तों, इस जेट का वजन 18,400 किलोग्राम है। ये जहाज 8,000 किलोग्राम का वजन उठाकर सफर करने की सलाहियत रखता है। इस जहाज में एक पायलट अपने फ्राई सर अंजाम देता है। इस जहाज की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 2778 किलोमीटर है। SU-35 की लंबाई 21.9 मीटर जबकि इसकी ऊंचाई 5.9 मीटर है। SU-35 के एक पर से दूसरे पर तक का फासला 15.3 मीटर है। इस जहाज में दो टर्बोफैन इंजन नस्ब हैं। इस जहाज के इंजन का नाम सैचुरन AL-31 है। इस एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नस्ब है जो कि SU-35 को 86.3 किलोन्यूटन थ्रस्ट और 142.2 किलोन्यूटन आफ्टर बर्न की ताकत फ्राहम करता है। दोस्तों, SU-35 में मल्टी रोल या मल्टी फंक्शन रिडार नस्ब है। इस जहाज की फ्यूल कैपेसिटी 14,350 लीटर है। SU-35 1580 किलोमीटर का सफर बगैर रिफिल के तय कर सकता है। SU-35 में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी नस्ब होते हैं जिनका फायदा ये होता है कि अगर फ्यूल खत्म हो भी जाए तो लैंडिंग के बगैर इसको फिजा में ही रिफिल किया जा सकता है। SU-35 की रेंज 3600 किलोमीटर है। दोस्तों, SU-35 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक वक्त में दो काम इकट्ठे भी सर अंजाम दे सकता है। SU-35 फोर्थ प्लस जनरेशन का हामिल जंगी तैयारा है जो कि मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से लेस है। इस जहाज में फिजा से फिजा मार करने वाले मिसाइलों में विम्पल R-27, विम्पल रिडार गाइडेड मीडियम रेंज R-77, शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड R-73E मिसाइल शामिल हैं। हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियारों में मोलनिया AKN-29 टैक्टिकल मिसाइल, KN-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल और KH-58 USHE लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल हैं। व्यूअर्स, इस जहाज में बहरी जहाजों को तबाह करने के लिए KH-31A लॉन्ग रेंज, KH-59M के लॉन्ग रेंज कैलिपर NPO, मैशिनोस्ट्रोनिया हैवी लॉन्ग रेंज मिसाइल और यकूंत मिसाइल नस्ब हैं। दोस्तों, SU-35 में 5 मुख्तलिफ इकसाम के बॉम्ब भी नस्ब किए जा सकते हैं जिनमें KAB-500 KR-TV गाइडेड बॉम्ब, KAB-500E सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, LGB-250 लेजर गाइडेड बॉम्ब, KAB-1500 KR-TV गाइडेड बॉम्ब और KAB-1500 LG लेजर गाइडेड बॉम्ब नस्ब हैं। इसके अलावा इसके परों में 150 गोलियां दागने की सलाहियत रखने वाली 30 मिलीमीटर GSN गन भी नस्ब है। इसके अलावा इसमें 420 मिलीमीटर, 266 मिलीमीटर, 122 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर के रॉकेट्स भी नस्ब किए जा सकते हैं। SU-35 के दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए इसमें रिडार वार्निंग, रिडार जैमर, कोऑपरेटिव रिडार जैमर, मिसाइल अप्रोच वार्नर, लेज़र वार्नर और चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर जैसे जदीद सिस्टम नस्ब हैं। रूस अब तक 112 के करीब SU-35 बना चुका है जबकि एक SU-35 तैयारे की कीमत तकरीबन $80 मिलियन है। SU-35 के खरीदारों में चीन, मिस्र और इंडोनेशिया शामिल हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।